अब्बास रिज़वी साहब ने मुझे दावत दी है, बुलाया और टाइम दिया है, उनके उनका शुक्रिया बहुत बहुत। अब्बास रिज़वी साहब, आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएंगे? जी, जैसे आपने सही कहा, मेरा नाम अब्बास रिज़वी के हवाले से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन अगर मेरा पूरा नाम वो है आगा अब्बास रिज़वी। मैं कोयटे की पैदाइश हूँ, कोयटे में पैदा हुआ था। उसके बाद मैं बड़ी छोटी एज में डेनमार्क आ गया, क्योंकि मैं उससे पहले तालीम का मुझे हमेशा से बहुत शौक़ रहा है, और मैं चाह रहा था कि मैं आला तालीम हासिल करूं, और वो मेरी आला तालीम जो है वो यूरोप के किसी मुल्क से हो। इसी सिलसिले में मैं दो दफ़ा यूरोप आ चुका हूं, पहले भी एक दफ़ा यूरोप आया था, लेकिन मुझे वहां पर स्टे परमिट नहीं मिला। और जैसे मैं चाह रहा था कि मैं लीगली किसी मुल्क में रहकर वहाँ पर काम भी करूँ और उसके साथ जो है अपनी तालीम भी मुकम्मल करूँ, तो वो पहले ट्रिप में मुमकिन नहीं हुआ। इस वजह से मैं दोबारा पाकिस्तान चला गया। फिर जाकर मैंने उस ज़माने में मैं BSc फाइनल में था, मैंने उसको ज्वाइन किया दोबारा। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक सबब बन गया मेरे लिए डेनमार्क आने के लिए, क्योंकि डेनमार्क में उन दिनों में वीज़े दिए जा रहे थे, और यहाँ पर आप आकर लीगली काम भी कर सकते थे, और अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी भी कर सकते थे। तो इस वजह से मैं 1969 के एंड में अक्टूबर में आगा अब्बास रिज़वी साहब, अभी मुझे पता चला कि पूरा नाम अब्बास रिज़वी साहब का आगा अब्बास रिज़वी है। जी आगा अब्बास रिज़वी साहब, आपने डेनमार्क में ज़ाहिर काफ़ी अच्छे से आप कोपेनहेगन में रह रहे हैं, आपने कोपेनहेगन का इंतखाब क्यों किया और उसमें कैसे आए और कब आए और कैसे उसको थोड़ा सा बता दें। डेनमार्क में कोपेनहेगन का इंतखाब मैंने एक अपने दोस्त की वजह से किया। वो मेरे डेनमार्क में आने से पहले डेनमार्क में आ चुके थे और डेनमार्क में रह रहे थे। पहली फर्स्ट ऑफ मेरा ख्याल अक्टूबर को मैं आ चुका था, और उसके बाद फिर जो है मैंने अपनी जो मैं प्लान लेकर आया था उसमें मैंने काम करना शुरू किया। पहले ये था कि मैं अपने लिए कोई काम ढूंढूं, ताकि मेरे पास जो है कमाई कहीं, अगर मैंने दाखा है फीस वगैरह देना पड़ती है, वो भी मेरे पास। तो जैसे मुझे काम मिला, फिर मुझे पता चला कि मैं जो गलत फहमी में था कि यहाँ पर आप हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, तो वो मेरी गलत फहमी बड़ी जल्दी दूर होगी। आजकल मुमकिन है, आजकल आपका इंग्लिश में इंग्लिश के कोर्सेज कन्वर्ट होते हैं, आप एम एस सी वगैरह जो करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने जो स्टडी कर रहे हैं उसमें कोई इंग्लिश नहीं, लेकिन उस जमाने में ये फैसिलिटी नहीं। तो मुझे जब मैं पहली दफ़ा गया यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप डेनिश कितने जानते हैं। मैंने कहा डेनिश से मैं बिल्कुल ना जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इस नाम से, तो आप यकीन करेंगे मेरा ख्याल है आधे साल के अंदर अंदर मैंने पूरी कोशिश की। जो भी मुझे बंदा जहाँ पर भी मिलता था, मैं यहाँ पर आने से पहले इंग्लिश बोलता था, उसके अलावा मुझे जर्मन आता था, लेकिन जो भी मेरे साथ किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करते हैं उसको प्लीज़ मुझे आप दूसरी ज़ुबान में जब खिताब करेंगे और मैं आपके साथ बात करूँगा, तो मेरी डेनिश उससे बेहतर होगी। मेरी जितनी टूटी फूटी डेनिश है उससे मेरे साथ बात करें, ताकि मैं आपसे डेनिश सीख सकूँ। तो मैंने मतलब जो है ना समझा कि सड़क हो गई, कोई रेस्टोरेंट हो गया, यहाँ का जो है मेन स्टेशन हो गया, उन सब जगहों को मैंने अपने लिए स्कूल जो मुकर्र कर लिया कि ये मेरी स्कूल है, जहाँ पर मैं हूँ मैं ज़ुबान सीखा। तो उसके बाद मैंने ज़ुबान जो है वो सीखी और फिर मैंने पढ़ना चाहा। तो मैंने जब अप्लाई किया तो मेरी बाकायदा जो है स्क्रूटी हुई, मुझे बाकायदा जो है आजमाया गया, मेरे टेस्ट लिया गया कि मैं इतनी क्या इतनी इतनी काबिलियत है कि मैं इस लेवल पर पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेसर जो थे जिन्होंने मेरी छानबीन की थी, उन्होंने मुझे 100% फिट करा दिया इसके लिए। तो मैंने वहाँ जब पढ़ाना शुरू किया तो उसमें हम तीन फील्ड में, जैसे मैंने बताया था, सोशल फील्ड है, मेडिकल है और लॉ का, ये जो है जिसको आर्ट्स में सीखा जी। तो फिर मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं एक डिक्शनरी में रखा। तो जो हमारी लीडर जो थी वो वहीं पर CBS में वहाँ पर प्रोफेसर थी, तो उन्होंने मैं कहा कि आप डिक्शनरी बनाएं, लेकिन डिक्शनरी को आप अपने जो है ना उसके राइट्स आपके पास नहीं होंगे, वो यूनिवर्सिटी के पास होंगे। आप जो घंटे काम करेंगे उसके लिए हम उसकी आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन उसकी जो तबात वगैरह होगी वो यूनिवर्सिटी करेंगे। तो उसमें मुझे मौका मिला काम करने का,
और ترجمانی اس کا میں ڈکشنری میں رتب کرنے کا اور سب سے بڑا اس میں جو میرے لیے چیلنج تھا وہ میڈیکل سائنس کا کیونکہ اس کی جتنی بھی ٹرمز وغیرہ جو تھیں ان کو سمجھنا اور ان کو اردو میں ایکسپلین کرنا ان کے لیے متبادل الفاظ جو ہمیں استعمال ڈھونڈنے وہ بہت ایک مشکل مرحلہ تو میں نے اس کے لیے تقریباً میرا خیال ہے کہ 6-9 مہینے میں نے اسٹڈی کیا میڈیکل سائنس. آپ کو اس دوران میں میری ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی تو میں یہاں پر ایک پروفیسر تھے اس میں کیا سنا آنکولوجی ہیں جو کہ اس کی کیا کینسر کے بارے میں ہوتی ہے کینسر کے بارے میں میں ان کے پاس گیا تو 3 جملے بولنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا ابھی ڈاکٹر نالج ہے تو اس کی بنیاد پر یہ میرا مطلب پس منظر تھا. تو جب میں ریجن میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ریجن کا 98% بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پر جو ہے صحت عام پر. تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ دیکھیں میرے پاس اس کا نالج ہے اور میں ہیلتھ میں کام کرتا ہوں تو میرا جو پولیٹیکل فوکس جو تھا اس میں میں نے ہیلتھ پر اور کام کیا. اس میں ہاسپٹلس کی ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس تھی, سوری ایڈمنسٹریشن ان کو ساری جو فنڈنگ ہوتی تھی وہ ہم کرتے تھے اور جتنا ریسرچ کا کام ہوتا تھا یہاں پر بلینز کی ریسرچ ہوتی ہے جی ان کو پیسے جو دینے ہوتے تھے اس میں جو کمیٹی بیٹھتی تھی اس میں میں بھی شامل ہوتا تھا. اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ ہیلتھ کیئر میں جتنی انوویشن یا سمجھیں کہ وہاں ایجادات ہوتی تھی ان کے لیے جو پہلے سے قانون قواعد وغیرہ بنائے جاتے تھے ان کی تقریب میں پولیٹیکلی میں شامل ہوا تھا, فیلڈ میں کام کیا لیکن بطور ڈاکٹر نہیں بطور پولیٹیشین. آغا عباس رضوی صاحب نے جیسے بتایا کہ کافی شعبوں میں کام کیا اور ہارڈ ورکنگ پیپل جو ہیں ان میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی شعبوں میں یہاں پہ کام کیا. اور اس کا ایک اور بات میں نے آغا عباس رضوی صاحب نے نوٹ کیا کہ جس بات پہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں اس میں وہ اپنی پارٹی میں بھی بات کرتے ہیں اور اس کو جو ہے میڈیا کے ذریعے بھی تھرو آؤٹ کرتے ہیں اور یعنی پھیلاتے ہیں. اور انہوں نے سیاست کے شعبے میں تو فارنرز کے پاکستانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے سب کے لیے کام کیا, خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے بھی کافی کام کیا. اور سیاست میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو غیر ملکی ہیں جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں ان کے لیے جو جو قوانین بنتے تھے ان میں انہوں نے فائٹ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں اس طرح ہونے چاہیے جو صحیح طریقہ ہے اس کا. اس کے علاوہ جو استاد کے شعبے میں بھی انہوں نے بہت کام کیے ہیں, اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کئی نصاب جو ہے وہ زیادہ میرا خیال عباس رضوی صاحب بتائیں گے زیادہ, مجھے تھوڑی معلومات ہے اس کے بارے میں. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نصاب صاحب کافی اس میں جو ہے اس کو وہ چینجنگ کی اور اس میں بہتری کی اور جو طریقہ اس کا رائے جیسے جیسے انہوں نے خود بتایا تھا کہ انہوں نے کام ان کو کرنے کے لیے کہا اور ریسرچ کرنے کے لیے کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا. یہ بتائیں کہ عباس رضوی صاحب میں تھوڑا سا ان کا یہ آخری پوائنٹ بھی بتا دوں کہ صحت کے شعبوں میں انہوں نے حلال کھانوں پہ بہت کام کیا. حلال کھانوں میں یہاں پہ ظاہر ہے چونکہ آپ کو آغا عباس رضوی صاحب نے پہلے بتایا کہ یہاں پہ صرف مسلمان نہیں ہیں بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ آغا عباس رضوی صاحب ویسے تو مسلمان انہوں نے یہ سمجھا کہ جو مسلمان ہیں ان کو حلال کھانوں کا جو ہے سہولت فراہم کی جائے, اس کے لیے انہوں نے فائٹ کی. غگیون ہوستے جو صحت کا شعبہ ہے اس میں انہوں نے جو ہے یہ خود پھر تفصیل سے بتائیں گے, میں مختصراً بتا رہا ہوں جو میری معلومات ہیں کم ہیں, میری معلومات اتنی زیادہ نہیں ہیں. تو اس میں انہوں نے فائٹ کی جو میں چونکہ ریڈیو میں سنتا ہوں یا ٹی وی میں جو ان کے کالم والم اس سے مجھے پتہ چلتا ہے, تفصیل ان کو زیادہ پتہ ہوگی. تو انہوں نے حلال کھانوں میں کافی کام کیا اور بہت بہتری کی اور کافی لوگ مجھے ملے ہیں انہوں نے پھر بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے نا یہ ہیلپ کے ہاسپٹل خاص طور پہ کہ اس میں جو ہے حلال کھانوں کی سہولت بہت زیادہ ہوئی تھی. ابھی آغا عباس رضوی صاحب زیادہ تفصیل سے یہ بتائیں گے. میرا خیال ہے آپ نے جو ہے نا کافی تفصیل سے بتا دیا, اس میں میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہاں کے جتنی بھی سیاسی یا لیڈ تھی ان کو یہ کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, میں ٹیکس بھی آپ کے برابر دیتا ہوں, میں
इस मुल्क की तरक्की में भी आपके साथ शाना बशाना काम करते हैं, और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये कितना बड़ा एक अलमिया है कि जब हमारा कोई बंदा हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था तो या तो अपनी जान बचाने के लिए कहते थे मैं वेजिटेरियन हूँ, और वेजिटेरियन के लिए जो खाना आता है वो उसकी शक्ल ही देकर उसकी भूख उड़ जाती है, और वो बेड में लेटा दरवाजे की तरफ देखता रहता है कि कब मेरे घर में से कोई आए मेरे लिए खाना लेकर आए जो मैं खुश होकर खाऊं। तो मैंने कहा कि आप खुद इस चीज़ पर आपका सबका जो है कंसेंसस है कि किसी भी मर्ज के इलाज करने के लिए दो मतलब जो है मुतवाजी चीज़ें हैं, एक तो मेडिसिन है और दूसरी खुराक। खुराक आपको नरिशमेंट देती है और मेडिसिन जो है वो आपकी बीमारी को दूर करती है। तो जब आप हम सबके बराबर हम टैक्स भी देते हैं सब कुछ देते हैं तो हमारे लिए हलाल खाना क्यों नहीं? तो जवाब ये मिला कि हलाल खाना अगर हम तुम्हारे लिए कर दें तो कल लोग कहेंगे जी हमारे लिए, हिंदू कहेंगे कि हमारे लिए वेजिटेरियन होना चाहिए, गौ माता का दूध नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बात सारी ये है कि आपके पास वेजिटेरियन खाना तो पहले से ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी बात ये है कि अगर आप डेनमार्क में जो मेन स्ट्रीम का रिलीजन है उसको छोड़कर दूसरा सेकंड बिग रिलीजन देखें तो आपको नज़र आएगा वो इस्लाम। इसका मतलब है कि हमारे तकरीबन उस ज़माने में मेरा ख्याल है कि हम तकरीबन 500,000 जी तकलीफें भी बहुत होती शुरू में। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि हमारा कौन सा कसूर है कि आप वो खाना नहीं देते जो कि हम खुश होकर खाएं और हमें वो मजहबन खाने की इजाज़त हो। इसमें आप यकीन करें मुझे 4 साल लगे। पहले भी मैं पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा कि जी उसमें खाने की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, उसमें वेस्टेज बहुत होगा, उसमें डेनिश लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, उसमें जो है मसाइल पैदा होंगे, फिर लेबलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है हाइजीनिकली हो सकता है वो खाने की हम सही जो है मतलब उसको केटरिंग ना कर सकें। मैंने कई सारे उजरे लान आप एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर जो आपका बजट है उसके मुताबिक इस काम को चलाएं, आप देखें कि आपके खाने की वेस्टेज उतनी रहती है, आपके अखराज बढ़ते हैं, आपकी लेबलिंग में तो मसला है, कोई होगा तो ठीक है हम कहेंगे भाई ये नहीं हो सकता। लेकिन आप वो फारसी में मिसाल है कि कोई बदला बहाना है विश्या कि अगर आपकी ये ठीक ना हो तो बहाने बहुत होते हैं आपके पास, आप इस काम को करें। तो मेरी पार्टी ने तो फौरी तौर पर मुझे सपोर्ट कर दिया, लेकिन जो रेगुलर रोल जो होती है काउंसिल जो होती है उसमें 41 मेंबर्स होते हैं, और जब किसी बिल को पास करवाना हो तो जब तक कि किसकी आपको आशीर्वादी ना हो 21 उसमें जो है वो मेजॉरिटी तो वो नहीं होता। उसके लिए फिर आप यकीन जाने मैंने 2.5-3 साल मैंने इसके लिए काम किया और लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बहस मुबासा भी हुआ सब कुछ हुआ, और जो पायलट प्रोजेक्ट के जब रिजल्ट आए तो पता चला कि जी जो इस पर कॉस्ट खर्च हुई है वो भी कम है। पहले जो खाना तकरीबन 30-40-50% वेस्ट होता था, लोग आधा खाकर टाइम देते थे, वो चीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई थी। जब आप लोगों को उसकी मर्जी का खाना देते हैं और वो खुशगवार खुलझा का खाना होता है तो लोग उसको आखिर लिखने तक भी खाते हैं, प्लस ये है कि लेने में कोई मसला नहीं है, और जो हलाल फूड जो बढ़िया करना होता है उसको जिसको सप्लाई कहते हैं वो भी कोई मसला नहीं। तो उसके बाद फिर मेरे उसी टेन्योर पहले टेन्योर के दौरान में आखिरी साल में ये चीज़ उन्होंने कही कि अब हम इसको बाकायदा जो है रूल आउट हम इसको जो है मतलब बाकी अस्पतालों तक भी लेकर जाएंगे। तो हमारा पूरा जो रीजन था उसमें इन्होंने ये एक पॉलिसी बना ली कि जो भी बंदा आकर कहे उन्होंने मुसलमान मुझे हलाल खाना चाहिए तो उसको हलाल खाना उसके लिए उस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आपने ये है ना कि उसमें सिर्फ हलाल नहीं किया उसको अट्रैक्टिव भी बनाया जी, यानी वो कशिश भी हो उसमें वो खा सके आ रहा हूँ बिल्कुल। अभी मैं बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो विजो हॉस्पिटल है उसमें बाकायदा एक सिस्टम था कि जो शेफ होता है जो खाना तैयार करता है उसमें बाकायदा जो है एक मेन्यू कार्ड उसने छापा था, तो पेशेंट्स को जाकर पूछता था कि आज आप चॉम्प्स खाएंगे कीमा खाएंगे या क्या खाएंगे, आप क्रॉस लगाएं और हर एक आदमी के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक उसमें चॉइस। तो उसकी वजह से ये हुआ कि लोगों को आप यकीन करेंगे कि बहुत सारे लोग जो कि नॉन मुस्लिम थे उन्होंने भी आकर कह दिया हम भी मुसलमान हमें
तो उन्होंने वो खाना उसको मतलब जो है ना बड़े शौक से खाया। कहने का ये मकसद है कि कोई काम ओवर द नाइट नहीं होता, नहीं उसके लिए कोशिश होती है। सेकंड मैं आपको बताऊं, मैं ये चाह रहा था कि हमारे लोग जो है तालीम में ज़्यादा तालीम के तो मेरी जो अपनी जो मेरे समझे बैकबोन थी, मेरे जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे, मैंने उनके साथ काफ़ी मीटिंग की। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि हमारी ख़वातीन भी पढ़ें और वो यहाँ पर बाकायदा आला तालीम के शोबे में आगे जाएँ और अपने आप को मनवाएँ कि चाहे वो हजाब लेती हैं कुछ भी लेती हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर और प्रोफेशनली हम आपसे पीछे नहीं हो सकता। हाँ, तो औरत मर्द जो है दोनों के लिए एजुकेशन है और दोनों जो है वो काम कर सकती हैं। तो उसके लिए ये था कि कॉलेज जो बनते थे उसमें रीजन से पूछा जाता था कि कॉलेज की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, दुकान बनाना चाहिए। तो मैंने उसमें बहुत एड़ी छोटी का जोर लगाया कि जो वेस्ट आइन की कम्यून है जैसे चौस चौकी है जिसमें गैर मुल्की या इमिग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ पर कॉलेजेस बनाए जाएँ ताकि किसी भी बाप को ये मसला ना हो कि सर्दियों में आपको पता है जब 3:30 बजे अंधेरा हो जाता है और किसी बेटे ने कॉलेज जाना हो तो उसको ये डरना हो कि इस अंधेरे में मेरी बेटी कैसे जाएगी, कितनी दूर जाएगी, उसके लिए कौन उसको लेकर जाएगा, कौन लेकर आएगा, इस किस्म के होते तो आपके घर के करीब कॉलेज होगा तो आप जाकर वहाँ कर सकते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कामयाबी हुई कि मेरे दौर टेन्योर में जो कॉलेजेस बने उस इलाके में ज़्यादा सही। इसके लिए मैं बहुत अपने परवरदिगार का जो है शुक्रगुजार कि मुझे ये सआदत मिली। आगा अब्बास रिज़वी साहब की बातें बहुत ज़्यादा हैं और शोबे भी इनके काफ़ी, इन्होंने काम किया और प्रोग्राम एक प्रोग्राम में हम इसको समेट नहीं सकते। आगार अब्बास रिज़वी साहब का ज़ाहिर है कई पहलू हैं, अब उन्होंने बता ही दिए हैं तफसील, जिस तरह वो बता सकते हैं उस तरह मैं तो नहीं बता सकता। और इनका यह है कि बहुत बहुत शुक्रिया आगा अब्बास रिज़वी साहब का कि इन्होंने मुझे वक्त दिया और अपने ख्यालात बताए हैं, बातें इनकी और जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा हैं, काम भी इनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि उनके जो चीदा चीदा काम है उनको बताया जाए। और आगा अब्बास रिज़वी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आपने